क्षेत्र कारोबारी पीयूष जैन को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कानपुर में भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कानपुर में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाई कोर्ट का जमानत आदेश दाखिल किया गया है। न्यायिक अधिकारी श्रद्धा त्रिपाठी ने 10-10 लाख रुपए के 2 बॉन्ड जमा करने के आदेश दिए। आज बॉन्ड दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद सोमवार तक उसकी रिहाई की संभावना है। पूर्व DGC क्रिमिनल पीयूष शुक्ला ने बताया कि पीयूष की जमानत के एवज में तय किए गए बॉन्ड शुक्रवार को किन्हीं कारणों से दाखिल नहीं किए जा सके, शनिवार को दोनों बॉन्ड दाखिल किए जाएंगे। बॉन्ड की राशि 50,000 से ऊपर है, लिहाजा दोनों बॉन्ड का सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद पीयूष की जेल से रिहाई संभव हो सकेगी। इत्र कारोबारी पर 2 मुकदमों की सुनवाई चल रही है। फॉरेन गोल्ड मामले की जांच निदेशालय रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने की और चार्जशीट लगाई, जबकि रुपए बरामदगी मामलों में DGGI ने चार्जशीट लगाई है। गोल्ड मामले में पीयूष को पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में उसकी रिहाई आदेश भी कानपुर जिला कारागार पहुँच चुका है। 23 दिसंबर 2021 की रात इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर अहमदाबाद की DGGI टीम ने छापा मारा था, जहां से कई दिनों की सर्च के बाद 96 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसके अलावा पीयूष के कन्नौज वाले घर से 23 किलो सोना भी बरामद हुआ था। इसके बाद 27 दिसंबर को DGGI ने पीयूष को जेल भेज दिया। पीयूष जैन के वकील पीयूष शुक्ला ने बताया कि DGGI ने 96 करोड़ कैश मिलने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।